साथ ऋतु ज्ञानवानी, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। सबसे पहले बात भोपाल की हम करेंगे। बुलेटिन में बीआरटीएस को हटाने का प्लान तैयार हो चुका है, निगम ने यह प्लान तैयार किया है। बीआरटीएस हटना है, तीन चरण में इसे हटाया जाएगा। मुख्य सचिव से प्लान पर चर्चा भी हो चुकी है, सीएम के सामने अब प्लान रखा जाएगा। तो अब बीआरटीएस हटाने की तैयारी में जो है पूरी तरह से सरकार है और जल्द से जल्द इसको लागू भी कर दिया जाएगा, अमल में लाया जाएगा। अब प्लान तैयार हो चुका है, प्लान सीएम के सामने रखना है, इस पर चर्चा करनी है और उसके बाद कार्य शुरू हो जाएगा। अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए यह बड़ा फैसला जो है लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इससे राहत ट्रैफिक से लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। जो रोड़ा बना रहता था हमेशा ट्रैफिक में, यह बीआरटीएस अब ये नहीं रहेगा। बीआरटीएस मुक्त राजधानी होने जा रही है, इस पर बड़ा फैसला सरकार द्वारा लिया गया है और यह अमल में बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि इसके लिए प्लान तैयार किया जा चुका है। इस पर प्लान पर अब चर्चा होनी है विस्तार से मुख्यमंत्री के साथ। ये प्लान जो है मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा और उसके बाद इसे अमल में लाया जाएगा। बस और थोड़ा इंतजार करना होगा और उसके बाद तीन चरणों में इस बीआरटीएस को हटा दिया जाएगा। तो बीआरटीएस मुक्त राजधानी होने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र से ज्यादा जानकारी हम लेंगे। शैलेंद्र, बीआरटीएस मुक्त राजधानी की तैयारी हो चुकी है, प्लान तैयार हो चुका है और अब बस सीएम के सामने ये प्लान रखना है, बस ये माने बहुत जल्द अमल में आ जाएगा ये प्लान। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि केवल मुख्यमंत्री से अप्रूवल का उस प्लान के होने की बस आवश्यकता, उसके बाद जो है इसको हटाने, बीआरटीएस को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। देखिए तीन चरण में ये पूरा काम होना है, तीन चरण में बीआरटीएस को हटाया जाएगा। देखिए राजधानी भोपाल में भी तीन अलग अलग इलाकों में बीआरटीएस अभी है। पहली बात करूं तो संत हिरादास नगर जैसे बैरागढ़ इलाके में, इसके बाद कमला पार्क से लेकर अगर बात करते हैं आगे कलेक्ट्रेट के उधर, एक दूसरा जो है लाल घाटी की तरफ से है और इसके अलावा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो होशंगाबाद रोड का है। तो तीन इलाकों में, अलग अलग इलाकों में बीआरटीएस है और यही कारण है कि नगर निगम की टीम ने अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग एक्शन प्लान तैयार किया। इसको लेकर मुख्य सचिव बीरा राणा से मुलाकात करके ये पूरा प्लान उनको समझा दिया गया और अब इंतजार है कि मुख्यमंत्री के साथ जब उनकी बैठक होगी, संभवतः कल ये बैठक हो सकती है, उस बैठक के बाद ये निर्देश साफ तौर पर दिए जाएंगे कि इसको हटाया किस तरीके से जाना है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कौन सा डिपार्टमेंट हटाएगा, अभी ये तय नहीं हुआ है प्लान में, क्योंकि देखिए निगम ने कहीं ना कहीं बजट की की बात सामने आई। देखिए पूरे बीआरटीएस को हटाने में लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है, तो कौन सा डिपार्टमेंट इस खर्चे को बहन करेगा ये अभी डिसाइड नहीं हो पाया, लेकिन संभवतः जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ जो पदाधिकारी है, चाहे निगम के लोग हों या फिर नगरीय प्रशासन के अन्य जो पदाधिकारी है, जब वो यहां बैठेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें यह भी तय हो जाएगा कि किस डिपार्टमेंट को ये काम दिया जा रहा है और उनको उस जो हटाने की राशि है वो आखिर किस मद से उनको दी जाएगी। जो तमाम जो आते हैं उनको लेकर अभी जो संशय बना हुआ है वो हटा दिया, वो जो है मुख्यमंत्री की बैठक के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए एक बात और भी है कि यदि आप बीआरटीएस हटाएंगे तो जो डिवाइडर की बात आई है कि बीच में एक डिवाइडर तैयार किया जाएगा, उसे बनने में काफी समय लगेगा, तो ऐसे में अस्थायी तौर पर किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी ताकि देखिए ट्रैफिक किसी तरह से प्रभावित ना हो। खासकर बैरागढ़ का इलाका जो है वो काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है और ऐसे में यदि बीआरटीएस कॉरिडोर वहां से हटाया जाता है तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं फिलहाल क्या होंगी ताकि आने और जाने वाले वाहन जो है सुचारू रूप से संचालित हो सके, इस सबको लेकर भी प्लान में डिटेलिंग की गई है। जी वाकई प्लान तैयार किया गया है। और शैलेंद्र, देश की राजधानी से लेकर प्रदेश की राजधानी तक का ये हम सफर देख रहे हैं, जैसे वहां पर बदलाव हुआ वैसा ही यहां पर बदलाव हो रहा है। 15 साल बाद ये बीआरटीएस हटाने का ये बड़ा फैसला लिया गया है, पर ये भी वाकई देखने वाली बात होगी कि जैसा सफल नहीं रहा था वो प्लान और इस वजह से इतना नुकसान भी कहीं ना कहीं हो रहा है, आखिर किस तरह के प्लान के तहत तो आगे बढ़ती है सरकार और आखिर कितना प्रभावी ये होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शैलेंद्र, लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटेंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं, जहां पर लेडी सिंगम का धमाल देखने को मिला है। शराबियों को सीएसपी हिना खान ने पकड़ा, दो थानों की पुलिस के साथ दबिश भी दी। विश्वविद्यालय और झांसी रोड क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया, बिना लाइसेंस के शराब पीते 20 लोग गिरफ्तार हुए हैं। होटल में बिना लाइसेंस के लिए शराब परोसी जा रही थी, होटल स्टाफ सहित 15 लोगों को पकड़ा गया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है और मामला उनके खिलाफ दर्ज हुआ है। होटल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, बिना लाइसेंस के शराब पार्टी करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है और बिना लाइसेंस के शराब यहां पर परोसी जा रही थी।
जैसे कि अभी नव वर्ष का समय चल रहा है, नव वर्ष आने वाला है और उसी के तहत हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के जो निर्देश हैं उनके अनुसार अवैध रूप से शराब पीने वालों पर कार्रवाई का एक अभियान चल रहा था। उसी दौरान एक सूचना प्राप्त हुई कि नेचरी होटल में अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही है, तो वहाँ पे थाना झांसी रोड और थाना विश्वविद्यालय की टीम लेकर हमने कार्रवाई की। कुल कितना बताओ, कितने आरोपी पकड़े गए हैं इसमें शराब पीने? दोनों थानों का बल था हमारे साथ और लगभग 15 से 20 लोग हमको वहाँ मिले शराब पीते। तो क्या ये होटल जो है वो शराब बेचता भी था? कुछ वहाँ पर शराब भी आपको प्राप्त हुई? अभी हम मैनेजर को पूछताछ के लिए लाए हैं और हम वहाँ सर्च भी करवा रहे हैं कि उसके पास यदि शराब बेचता, अगर बेचेगा तो उसके पास हमको क्या मिल रहा है क्या नहीं, इसलिए हम पूछताछ के लिए लेकर आए हैं। तो लेडी सिंघम का ये धमाल हमें देखने को मिला है जहाँ पर शराब पीते 20 लोग मिले जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, लेडी सिंघम का धमाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, बिना लाइसेंस के लगातार शराब परोसी जा रही है, कहीं ना कहीं इस पर शिकंजा कसने की तैयारी में, और नए साल के लिहाज से भी ये बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर में शराबखोरी रोकने के लिए पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के साथ ही आबकारी विभाग ने एक नया प्लान बनाया था जिसके तहत बिना लाइसेंस के शराब पार्टी करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया, और इसी के तहत कल रात में लेडी सिंघम हिना खान जो CSP है विश्वविद्यालय क्षेत्र की, ये अपने इलाके के विश्वविद्यालय और झांसी रोड थाने की पुलिस बल के साथ निकली थी। रात में करीब 35 से 40 लोगों के खिलाफ शराब पीने के चलते आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई है, इनको गिरफ्तार भी किया गया है सभी लोगों को। और होटल में जानकारी मिली थी कि शिवपुरी लिंक रोड पे एक होटल में, नीलश्री होटल में शराब परोसी जा रही है बिना लाइसेंस के, और जब लेडी सिंघम की टीम वहाँ पहुँची तो वाकई में वहाँ शराब पीते लोग मिले थे। तो 15 से 20 लोगों को वहाँ से हिरासत में लेकर गिरफ्तारी की गई इनकी थाने लाकर, और उसके साथ ही वहाँ होटल के मैनेजर को भी, जिसके पास शराब पार्टी के लिए लाइसेंस नहीं था आबकारी विभाग का, उसे भी हिरासत में लिया गया है रात में, और उसके बाद पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही अलग अलग इलाकों में भी इन दोनों थाना क्षेत्रों में जो खुले में शराब पार्टी कर रहे थे लोग, करीब 15 से 20 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो बिना लाइसेंस के जो है शराब पार्टी कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर कल रात ग्वालियर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, और इस कार्रवाई में 35 से 40 लोगों के खिलाफ आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी भी की गई है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में लोगों को थाने लाकर लॉकअप में बंद किया गया है। तो निश्चित तौर पर आज चूँकि 31 दिसंबर है और आज इस तरह का धमाल ज़्यादा रहेगा, तो पुलिस का ये संदेश था कि पुलिस पूरी तरह से सड़कों पर तैयार है, किसी भी तरह से नियम का उल्लंघन करने पर, चाहे आबकारी एक्ट का उल्लंघन हो या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो, उसका खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई पुलिस करेगी। तो कम से कम 15 से 20 लोगों के साथ ही 35-40 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी और आबकारी एक्ट की कार्रवाई हुई है, और आज ये कार्रवाई और ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी क्योंकि 50 से ज़्यादा चौराहों पर ब्रीद एनालाइजर के साथ ट्रैफिक पुलिस की टीम तैनात रहेगी। इसके साथ ही जो आबकारी विभाग का उड़न दस्ता है वो भी अलग अलग इलाकों में जाकर होटल, मैरिज गार्डन सहित अन्य जो रेस्टोरेंट है उनमें जांच पड़ताल करेगा। अगर बिना लाइसेंस के वहाँ शराबखोरी की जा रही होगी, पार्टी की जा रही होगी, तो उन पे जो आबकारी एक्ट के साथ ही गिरफ्तारी की कार्रवाई और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। तो एक बड़ी कार्रवाई है, देर रात दो थाना क्षेत्रों के साथ ही शहर के अलग अलग इलाकों में भी सूचना मिली है कि शराबखोरी के खिलाफ जो है पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। तो अब सुबह, देर सुबह तक ये आंकड़े सामने आ पाएंगे कि कितनी जगह पुलिस ने कार्रवाई की है ग्वालियर शहर में। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। नए साल के जश्न पर भोपाल पुलिस भी अलर्ट रहेगी। भोपाल पुलिस नजर बनाए हुए है, हुड़दंगियों पर नजर बनाए हुए है और 30 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। शहर में 600 जवान तैनात रहेंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर बड़ी कार्रवाई होगी, जुर्माने के साथ ही हवालात में रात गुजारनी होगी। तो पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है, सक्रियता प्रशासन की नजर आएगी। चूंकि नया साल है, हुड़दंग मचाने वालों की कमी नहीं है, हुड़दंगी लगातार नजर आते हैं सड़कों पर और अलग अलग जगह पर। माहौल खराब करने की कोशिश पूरी उनके द्वारा की जाती है, पर इस बार पैनी नजर जो है पुलिस की रहने वाली है। प्रशासन का अमला पूरी तरह से सक्रिय रहेगा कि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो, शराबखोरी ना हो। तो हर जगह पुलिस की नजर, पैनी नजर रहेगी। हुड़दंगियों पर नजर बनाए हुए 30 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं अलग अलग जगह पर। 600 जवान तैनात रहेंगे पूरे ही शहर में।
तो अगर हुड़दंग मचाने का सोचा भी आपने, अगर हुड़दंग आपने मचाया तो हवालात में रात जरूर आपको गुजारनी होगी और साथ ही साथ जुर्माना भी लगेगा आपके ऊपर। पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अगर जरा सा भी हुड़दंग बनाने का सोचा भी तो यहां पर गुजारनी पड़ेगी, मतलब नए साल पर हवालात में ये रात गुजारनी पड़ेगी हुड़दंगियों को। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए नए साल का आप जश्न मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप उपद्रव या हुड़दंग करते हैं तो उसके लिए आपको सजा भी भुगतनी पड़ेगी, यानी रात आपको हवालात में भी गुजारनी होगी और अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ेगी। देखिए मध्य प्रदेश में ड्रिंक एंड ड्राइव पर 10,000 रुपये का फाइन है, तो यदि आप जश्न मनाने कहीं गए हो, ड्रिंक करके आप अगर वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना होगा और आपको हवालात रात में गुजारनी होगी। और यही कारण है कि पहले ही प्रशासन और पुलिस की तरफ से तमाम जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं कि ताकि जो लोग हैं जो अपना जश्न अपने परिवार के साथ जश्न मनाने निकल रहे हैं वह जश्न मनाए लेकिन किसी तरह के उपद्रव में ना पड़े। ठीक है, साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए, चाहे डीजे हो, रेस्टोरेंट हो, बार हो, सबको 12 बजे तक खुलने की अनुमति है। 12 बजे के बाद जो है वो कोई भी रेस्टोरेंट होटल नहीं खुल सकेगा और जो पार्किंग लॉट है उसको भी 12:30 बजे तक सभी लोगों को खाली करना होगा। सुरक्षा के लिहाज से राजधानी भोपाल में कुल 30 चेकिंग प्वाइंट बनाए गए जिस पर 600 अतिरिक्त जवान जो है वो तैनात रहेंगे। इसके अलावा आबकारी की जो उड़न दस्ते हैं वो भी लगातार शहर में गश्त करते रहेंगे। जिन होटल्स को ने अस्थायी शराब विक्रय का या शराब पिलाने का लाइसेंस नहीं लिया है, ऐसे होटल्स या रेस्टोरेंट में यदि शराब परोसते आप पाए जाएंगे तो आपके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। तो चाहे वह डीजे की बात हो, होटल रेस्टोरेंट की बात हो, शराब परोसने को बात हो या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव की बात हो, सभी अलग अलग पहलुओं पर पुलिस और प्रशासन की कड़ी नजर रहने वाली है। आज शाम से ही लगातार राजधानी की सड़कों पर पुलिस आपको कॉम्बिंग गश्त करती नजर आएगी, अलग अलग जगह पर पिकअप प्वाइंट लगाकर चेकिंग करती नजर आएगी। जिस तरीके से, जिस बात का जिक्र आपसे कुछ देर पहले सुशील कर रहे थे कि पुलिस कहीं ना कहीं बार बार ये समझाने का प्रयास कर रही है कि आप जश्न मनाइए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि आप हुड़दंग करने का प्रयास करेंगे तो आपको उसकी सजा भी भुगतनी होगी। और जिस तरीके से भोपाल में भी कार्रवाइयां पिछले दिनों भी देखने को मिली, जिस तरीके से आउटर के जो रेस्टोरेंट है उनमें यदि कहीं पर कोई शराबखोरी या इस तरह की जो चीजें देखने को मिली थी उन पर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही शराब के साथ साथ हुक्के पर भी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अब साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि होटल्स हो या फिर रेस्टोरेंट हो, इनमें हुक्का भी आप नहीं पी सकते और हुक्का अगर पीते हुए पाए गए तो आप पर जुर्माने की कार्रवाई, यानी 3 साल तक की सजा और 10,000 तक का जुर्माना के भी प्रावधान किया गया है। तो तमाम जो निर्देश है वो पुलिस विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं और अब आज शाम से सख्ती और ज्यादा तेज से देखने को मिल सकती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। टीकमगढ़ की हम बात करते हैं जहां पर 16 बसों के चालान काटे गए हैं। बसों के फिटनेस को लेकर यह कार्रवाई हमें देखने को मिली है। स्कूल बस और यात्री बस भी जब्त की गई है। गुना बस हादसे के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन, परिवहन विभाग पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है और इस तरह की कार्रवाई हमें देखने को मिल रही है। फिटनेस चेकअप लगातार हो रहा है, गाड़ियों का इंश्योरेंस देखा जा रहा है। जो गंडम बसें उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है कि अब ऐसी बसें फर्राटे नहीं भर सकेंगी सड़कों पर, क्योंकि हादसे को न्योता ऐसी बसें देती हैं। अब जो है बड़ी कार्रवाइयां होंगी, चालानी कार्रवाई होगी। टीकमगढ़ की हम बात कर रहे हैं जहां पर ऐसी ही तस्वीर हमें देखने को मिली है। खबर का बड़ा असर हुआ है, तस्वीरें हमने लगातार दिखाई थी किस तरह से यहां पर खराब बसें, कंडम बसें फर्राटे भर रही हैं और सड़कों पर दौड़ रही हैं बेलगाम। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां पर चालानी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है। गुना बस हादसे के बाद सक्रियता पूरी तौर से नजर आ रही है और साफ तौर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी निर्देश दिए थे सख्ती के साथ इन सभी चीजों में निपटने के लिए और कार्रवाइयां करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, और एक्शन में प्रशासन नजर भी आ रहा है। अब जो है एक्शन लिया गया है, एक्शन लगातार जारी भी रहेगा। आने वाले समय में ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, ऐसे बड़े हादसे ना हो जिस वजह से लोगों की जान चली जाए कहीं ना कहीं, तो अब एक्शन में प्रशासन पूरी तरह से। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राजीव रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, सीएम के निर्देश के बाद कहीं ना कहीं एक्शन में पूरी तरह से प्रशासन नजर आ रहा है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने खास तौर पर निर्देश दिए हैं कि जहां कहीं भी इस तरीके की अनफिट बसें और बसों में किसी भी तरह की लापरवाही की जा रही है
तो उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। तो इसके बाद यहाँ पे किसी भी प्रकार की कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही थी और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और कई बसें जो अनफिट बसें थी वो फर्राटे भर रही थी और कई गंभीर बात यह है कि स्कूल बसें भी बगैर अनफिट बसें हैं जो बच्चों को ले जाए स्कूल तक ले जाने और घर पर छोड़ने का काम कर रही थी। तो ऐसी बसों में जो बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा था और एक बस को भी जब्त किया है। तो परिवहन विभाग अब लगातार चालानी कार्रवाई कर रहा है, 16 बसों पर कार्रवाई की है, 35 बसों की कल चेकिंग की थी परिवहन विभाग ने और इसके बाद अब लगातार सर्चिंग की जा रही है और कई बसें लगातार ऐसी हैं जिन जो अनफिट बसें हैं और जिनमें जो इमरजेंसी गेट नहीं है और ऐसी बसों पर भी 1000 रुपए का जुर्माना परिवहन विभाग लगातार कर रहा है। कहीं भी कोई भी हादसा होता है तो इमरजेंसी गेट से यात्रियों को बाहर निकाला जा सके लेकिन वहां पे भी सीट लगा देते हैं और इमरजेंसी गेट को पूरी तरह बंद कर देते हैं। तो अब इमरजेंसी गेट पर खास तौर से परिवहन विभाग ध्यान दे रहा है, ऐसी बसों पर 1000 रुपए का जुर्माना की कार्रवाई की जा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी को साझा करने के लिए। खंडवा अग्निकांड में आपको बड़ा अपडेट दे दें हम, अग्निकांड में जख्मी महिला की मौत हो गई है। आरोपी की पत्नी ने इंदौर में दम तोड़ दिया, हादसे में 7 लोग जख्मी हुए थे। ये भी बता दें आपको कि महिला का इंदौर में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। खंडवा अग्निकांड की हम बात कर रहे हैं उसमें बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए अमित जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ज्यादा अपडेट मामले में। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि 27 दिसंबर का ये पूरा घटनाक्रम था और इस घटनाक्रम में 7 लोग जख्मी हुए थे। हम बता रहे कि यहाँ आरोपी जो राजेश है उसके घर में सिलेंडर रखे हुए थे अवैध रूप से और उसको गोदाम बना रखा था। जब आग लगी तो एक के बाद एक 30 से ज्यादा ब्लास्ट हुए और 7 लोग जख्मी हुए थे जिसमें आरोपी राजेश उर्फ राजा पवार की जो पत्नी माधुरी थी वो ज्यादा जख्मी हुई थी। इंदौर रेफर किया गया था और इंदौर में उसने दम तोड़ दिया है, आज उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसके अलावा अन्य जो सदस्य हैं, अन्य जो जख्मी हैं, उनका खंडवा के अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं पूरे मामले में जो जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी है उनको नोटिस जारी किया गया है, जो फूड इंस्पेक्टर था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है, 4 FIR हो चुकी है और अब एक और जब ये मौत हुई है तो जो आरोपी राजा है उस पर गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज किया जा सकता है। ये इस पूरे मामले की अपडेट है। ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अमित। और अब बात कर लेते हैं कोरोना की, किस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो यहाँ पर 31 कोरोना के नए मरीज पाए गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या अब 66 पर पहुंच चुकी है। लंबे समय के बाद एक साथ इतने मरीज मिले हैं और अब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि डर स्वाभाविक है। कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो डर बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं किस तरह से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी, लोगों ने लापरवाहियां बरती और कई सारी जानें चली गईं। अब एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है और इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, एक्टिव मरीज सामने आ रहे हैं। अब स्वास्थ्य विभाग का अमला पूरी तरह से अलर्ट है, अस्पतालों में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं, साथ ही साथ लोगों से अपील भी कि गाइडलाइन को फॉलो जरूर करें और सार्वजनिक जगह पर जाएं, भीड़ भड़ाके वाले इलाके में जाएं तो मास्क का उपयोग जरूर करें। तो वहीं रायगढ़ जिले की अगर हम बात करें तो यहां पर भी कोरोना डरा रहा है, धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है जिसमें अब तक 9 संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है। रायगढ़ जिला अस्पताल के पैथोलॉजी लैब में काम करने वाले 3 कर्मचारी पॉजिटिव हो चुके हैं। उधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है, संभावित आपातकालीन स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल में 30 बिस्तर का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी कर रहा है और संदेह होने पर तुरंत जांच करवाने की बात कर रहा है। यहां पर भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और ये खास बात यहां पर यह है देखने को मिली है कि कर्मचारी जो है वो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, अब उनका भी इलाज जारी है। साथ ही साथ अस्पतालों में
व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की जा रही हैं। आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है कि अगर किसी भी तरह की स्थिति उत्पन्न होती है और बड़ी संख्या में अगर मरीज निकलते भी हैं, आते भी हैं, तो यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं उन्हें मिल सके, इलाज मिल सके। जिला मुख्यालय में एवं पेरीफेरी में काफ़ी तेज़ी से मतलब जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। बुधवार से लेकर आज तक हमने 850 एंटीजन टेस्ट किए हैं, उसमें 9 लोगों को जो है कोविड की मतलब पुष्टि अब तक हो चुकी है। हम लोगों से वही आग्रह करते हैं कि साल का आखिरी दिन है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, जैसे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसके अलावा जो है बार बार अपने हाथ को सैनिटाइजर या साबुन से साफ करते रहें। लोगों को समझाइश दें कि ऐसे व्यक्ति जिनको सर्दी खांसी जुकाम बुखार या सांस लेने में परेशानी हो, तो हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय रायगढ़ परिसर में OPD के ठीक मतलब जो है सामने में हमने एंटीजन टेस्ट के लिए मतलब व्यवस्था की है। और अब आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं सीधी सिंगरौली की। नेशनल हाईवे 39 पर निर्माणाधीन मुख्य 4-लेन सड़क मार्ग का डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल ने निरीक्षण किया और इसी दौरान अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि सीधी सिंगरौली जिले के मुख्य सड़क मार्ग में गोपद नदी पुल है जो काफी जर्जर हो चुका है, जहाँ से लगातार बड़े हाईवा ट्रक ट्रेलर के गुजरने से पुल जो है टूट जाने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने गोपद नदी में निर्माणाधीन पुल को 15 फरवरी के पहले कंप्लीट कर मार्ग चालू करने के निर्देश दिए हैं। MPRD के अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है उनके द्वारा। PM मोदी कल अयोध्या दौरे पर थे, जहां उन्होंने उज्ज्वला योजना की लाभार्थी मीरा मांझी से भेंट किया और उनके घर चाय पी। मीरा मांझी उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वी लाभार्थी हैं। CM योगी के निर्देश पर CM के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने आदेश जारी किया कि अयोध्या की मीरा मांझी को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है, आपने बना दिया? जी, आपके कृपया। अच्छा, ठीक से बना है? हाँ। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था, यहाँ कपड़े का घर था। हाँ। जी हाँ, कहाँ रहते थे? जी, और अब अच्छा बन गया? जी हाँ। कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए जी। अच्छा, तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100-200 ऐसे आता है। 100-200 रुपए जी। अच्छा, और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया जी। अच्छा, तो गैस चलाना आता है? जी, कल सीखे हैं। कल सीख लिए जी। तो पहले से चाहती थी अब गैस मिल जाए, अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया? हाँ, सबको मिल गया था। हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्टी था, भट्टी पे बनाते थे। हाँ, फिर चूल्हा ले दिया था। हाँ। उसपे बनाते थे। तो लकड़ी जलाते थे या नहीं? वो बुरादा। अच्छा, बुरादा बाहर से लाना पड़ता जी, था खरीद के लाते थे। हाँ। उसको जी। तो अभी अभी तो आपको बहुत फायदा हो जाए, टाइम बच जाएगा। बहुत फायदा। हाँ? बच्चे अच्छे को थोड़ा टाइम देंगे। हाँ? थोड़ा। हाँ। तो मेरा जी, आप कुछ काम वाम भी करती हैं? जी, फूल बेचते हैं। फूल बेचते हैं जी। कहाँ पर बेचते हैं? नए घाट। तो आपको लोग बहुत आते होंगे? जी हाँ। तो फूल कम पड़ जाएंगे। तो आपको ये अनाज का योजना का लाभ मिलता है? जी जी। कितना अनाज मिलता है? 10 किलो। और आपको गैस मिला जी, बिजली मिली जी, घर मिला जी, अनाज मिला जी। वाह। और पानी मिल गया? पानी भी मिलता है सर। आप हम लोग का भगवान मिल गए? नहीं नहीं, भगवान तो भगवान रामचंद्र जी है। आप तो हमारे लिए भगवान है। हम लोग आपसे बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं, हम आपको इतना बयान नहीं कर सकते। हम तो उम्मीद ही नहीं किए थे कि हाँ, हमारे घर भगवान। चलिए, अब तो मकान बन गया आपका जी। तो आपकी जैसी कल्पना थी वैसा बना है जी? अपने मन का ही बना है।
आज प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का 108वीं कड़ी है, जिसमें पीएम मोदी देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रेडियो प्रोग्राम का टॉपिक है फिट इंडिया, जिसके बारे में पीएम मोदी ने 18 दिसंबर को ही ट्वीट करके जानकारी दी थी। पीएम ने ट्वीट कर लोगों से स्वास्थ्य और फिटनेस पर सुझाव मांगे थे। उन्होंने कहा था कि फिट इंडिया एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे युवाओं के दिल के करीब है। आप अपनी क्रिएटिव फिटनेस रूटीन और न्यूट्रिशन से जुड़ी जानकारी साझा करें। पीएम ने नमो ऐप पर लोगों से उनके विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया था। आज मन की बात में 5 राज्यों के चुनाव के बारे में बात कर सकते हैं। संसद के मानसून सत्र में पास हुए बिलों, खास तौर पर न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े नए कानूनों का जिक्र कर सकते हैं और अगले साल का रोड मैप भी पेश कर सकते हैं। और इसी के साथ ही 8 की ताजा खबर में फिलहाल के लिए इतना है।